वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ये डेटा दे दिया गया है जहाँ पे मार्क्स बता दिया गया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया गया है। हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए बोला गया। सो आप यहाँ पे देख रहे हो दिया गया लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिया गया है। सो आप ये जो फॉर्म है यहाँ पे, ये जो डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो उसे अगर हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल फॉर्म कर लेते हैं। लेस देन 10 को हम लिख सकते हैं 0 to 10, लेस देन 20 को हम लिख सकते हैं 10 to 20, इसी तरीके से 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 हो जाएगा क्लास इंटरवल्स। पहला का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्यूमुलेटिव और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सेम होगा, सो ये हो जाएगा 6। दूसरा होना चाहिए 15 minus 6, सो 15 minus 6 इज इक्वल टू होगा 9। नेक्स्ट होगा 30 minus 15, 30 minus 15 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसी तरीके से 39 minus 30 इज इक्वल टू 9 होगा। नेक्स्ट इज 53 minus 39 इज इक्वल टू 14 होगा। एंड लास्ट वन इज 70 minus 53 इज इक्वल टू 70। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। थैंक यू।